क्या सीतापुर नाइट कर्फ्यू की ओर बढ़ रहा है? कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ रहे मरीजों के लिए कौन कौन से अस्पतालों में व्यवस्थाएं की जा रही हैं? कितने लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है? कोरोना को लेकर आवाम से जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की क्या है अपील? आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौड़ ने खास में हम लोग ये देख रहे हैं कि लगातार जो पॉजिटिव केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। अब तक लगभग 1,00,000 से अधिक व्यक्तियों को सीतापुर में हम लोगों ने वैक्सीनेट कराया है। कल लगभग 2,500 व्यक्तियों का चालान मास्क न पहनने के लिए किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और हमारे साथ मौजूद हैं सीतापुर के जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज जी। जानेंगे सीतापुर में जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है, अब 300 का आंकड़ा भी पार कर चुका है। ऐसे में कोरोना को लेकर के सीतापुर वासियों से उनकी क्या अपील है और खासकर कोरोना से निपटने को लेकर क्या इंतजाम है? जैसा आपने बताया, कोविड मार्च में उसकी जो प्रगति या उस फैलाव है वो काफ़ी तेज है और इसको देखते हुए हम लोगों ने हर स्तर पर हमारे जो इलाज की सुविधाएं हैं उनको और मुकम्मल तौर पे तैयार किया जा रहा है। हमारी 3 L2 फैसिलिटीज़ इस वक्त तैयार हैं, एक खैराबाद में, एक जिला अस्पताल में और एक प्राइवेट में हिंद मेडिकल कॉलेज में। विगत 3-4 दिनों में हम लोग ये देख रहे हैं कि लगातार जो पॉजिटिव केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसेस भी लगभग, जैसा आपने बताया, 300 व्यक्ति इस वक्त एक्टिव हैं। इसके रोकथाम के लिए जो प्रवर्तन का कार्य है वो काफ़ी तेज़ी से पुलिस विभाग द्वारा किया जा रहा है। कल लगभग 2,500 व्यक्तियों का चालान मास्क न पहनने के लिए किया गया। दुकानों और बाज़ारों में भीड़ भाड़ कम करने के लिए उनका जो पूर्व से निर्धारित समय है उस समय उनको बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। आम जनमानस में इस बात का प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि वो 2 गज की दूरी और मास्क, इसका प्रयोग करें। साथ ही साथ वैक्सीनेशन पर भी हम लोग का पूरा जोर है। अब तक लगभग 1,00,000 से अधिक व्यक्तियों को सीतापुर में हम लोगों ने वैक्सीनेट कराया है, जिसमें से 18,000 लोगों को दोनों डोजेज मिल गई हैं और बाकी लोगों को पहली डोज मिली है। ये तमाम जो कार्रवाइयां हैं ये इस उद्देश्य से हैं कि जो कोविड का यह दौर आया है इसको हम लोग सीमित करें। सीतापुर की जनता से मेरी यही अपील है कि वे अनावश्यक रूप से भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ना जाएं। मास्क और सामाजिक दूरी, ये दोनों को इंश्योर करें जिससे कि इसके फैलाव को हम लोग रोक पाएँ। सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, ये जाहिर तौर पर 3 L2 हॉस्पिटल की सुविधा यहाँ मुहैया कराई जा रही है। निश्चित तौर पर ये माना जा रहा है कि तेज़ी से ये बढ़ेगा, प्रचार प्रसार होगा कोविड का। ऐसे में क्या लगता है कि जो जितने बेड हैं उससे क्या लगता है कि यहीं पर जो मरीज हैं उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा या फिर गंभीर होने पर L3 में भी उनको भेजे जाने की व्यवस्था है? सामान्यतः जो अब तक कोविड के केसेस आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको घर पे रख के ही हम उनका इलाज कर लेते हैं। कुछ विशेष स्थितियों में हमें उनको L2 फैसिलिटी में लाना होता है और यदि उन्हें कोई कोमॉर्बिडिटी, अन्य कोई गंभीर बीमारियां हैं तो उसके लिए हमें L3 पे, जो कि लखनऊ में है, वहां भेजना होता है। तो ये L3 तक जाने वाले मरीजों की संख्या बहुत ही सीमित रहती है और हम लोग का प्रयास रहता है कि यदि कोई ऐसा केस आ रहा है तो उसे तत्परतापूर्वक लखनऊ हम लोग रेफ़र करें।
तो सर जिस तरीके से 500 शासन की गाइडलाइन है कि 500 जब मरीज हो जाएंगे तो जिले के जो कलेक्टर हैं उनको ये पावर है कि नाइट कर्फ्यू लगा देंगे, तो सीतापुर वासी अगर इसी तरीके की लापरवाही बरतेंगे तो निश्चित तौर पर 500 के पार होंगे, तो क्या आप ये भी कदम उठाने के लिए तैयारी है आपकी? ये तत्समय जब ये स्थिति उत्पन्न होगी हम लोगों का एक सुविचारित निर्णय होगा, ये मेरी उम्मीद है कि ऐसा स्थिति ना पहुँचे, किंतु यदि ऐसी स्थिति आएगी तो जन स्वास्थ्य और जन सुरक्षा के दृष्टिगत जो भी यथोचित निर्णय लेने होंगे वो हम लोग लेंगे। फिलहाल सर जांच पर ज़्यादा जोर है शासन का भी और वैक्सीनेशन पे भी जोर है, पर्याप्त मात्रा में क्या वैक्सीनेशन है और जो जांच हो रही है वो कई केंद्र बनाए गए हैं जाँच के लिए सेंटर जो है? जैसा आप जानते हैं जांच के दो तीन हमारे मानक हैं, पहला तो जो व्यक्ति पॉजिटिव आ रहा है उसके जो क्लोज कांटेक्ट में लोग हैं उनकी हम जांच प्राथमिकता पे करते हैं, इसी तरीके से जो कंटेनमेंट जोन बनते हैं उन कंटेनमेंट जोन में जो बुखार जुकाम ILI से पीड़ित हैं उनकी हम जांच करते हैं, तीसरे वो लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं और सिम्टोमेटिक हैं उनकी भी हम जाँच करते हैं। जाँच में हमें जो मानक शासन ने निर्धारित किए हैं उसके अनुसार हम लोग लगातार जांच कर रहे हैं। इसी प्रकार वैक्सीनेशन के लिए भी यद्यपि मांग इस वक्त काफ़ी बढ़ गई है पर जितनी भी हमारे पास आपूर्ति है वैक्सीन की उसके अनुसार हम लोग जो प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं जो जिनका संपर्क ज़्यादातर लोगों से होता है या वे वृद्ध हैं या कोमॉर्बिड हैं ऐसे लोगों को हम प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन करा रहे हैं। जो बाज़ार के लिए आपने कल से गाइडलाइन बनाई है शुक्रवार से उसका पहले दिन पालन भी दिखा है, लेकिन जो ग्राम पंचायत के चुनाव हैं इसमें ज़्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है चूँकि गाँव तक कोरोना फैल चुका है, जो चुनाव लोग लड़ रहे हैं उन पर कैसे नियंत्रण और उनके लिए क्या आप अपील करेंगे? ये अपील सभी के लिए है चाहे वो निर्वाचन क्षेत्र से हैं या वे अपने यहाँ कोई कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, सभी से मेरा यही अनुरोध है उनके अपनी सुरक्षा उनके परिजनों की सुरक्षा उनके क्षेत्रवासियों की सुरक्षा के लिए कि जो कोविड के निर्देश हैं सामाजिक दूरी का बार बार हाथ धोने का मास्क के प्रयोग करने का वे उसको प्रयोग करें, ये उनके हित में भी है और उनके परिजनों और उनके समाज के हित में भी है। चुनाव के लिए सर जो खासकर जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनमें जरूर कहीं ना कहीं लापरवाही भी दिख रही है और उल्लंघन भी दिख रहा है, ये जो निर्देश हैं ये सभी के लिए हैं, ये फ़र्क नहीं पड़ता, कोरोना इस बात में विभेद नहीं करता कि हम लोग क्यों बैठे हैं, चाहे जो भी उद्देश्य हो साथ बैठने का उन सभी कार्यक्रमों में जो हमारे निर्देश हैं कोविड प्रोटोकॉल के उनके पालन करने का हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं और जहां हम पाएंगे कि इस अनुरोध के बाद भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही है तो जो नियमों में हमें अधिकार प्राप्त है उनके अंतर्गत हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तीन चार दिनों में हम लोग ये देख रहे हैं कि लगातार जो पॉजिटिव केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। अब तक लगभग 1 लाख से अधिक व्यक्तियों को सीतापुर में हम लोगों ने वैक्सीनेट कराया है। कल लगभग 2500 व्यक्तियों का चालान मास्क न पहनने के लिए किया गया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।